पार्टी को ताकतवर मजबूत बनाने में भी काम किया। कमजोर है, समय भी नहीं है, चुनाव सामने है। और वो मुख्यमंत्री हैं, पता नहीं वो क्या करते हैं, मुझे ठीक पता नहीं है। चुनाव के पहले एक साल से हमें सघन संपर्क और संघर्ष ये शुरू करना था, इन्हीं बातों को बताना था और कहीं कोई सुनने को खाली नहीं था। तो बोले ठीक है भाई, जैसा है वो चले। कोशिश बहुत की है, ये सब जगहों से हुआ नहीं और हमको थोड़ा परेशानी हुई और हमने छोड़ा। झगड़े बहुत हुए मेरे खिलाफ, 1000 केस। ऐसे ही कुछ होगा, अब मैं क्या बताऊंगा, तो उन्हीं से पूछिए। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 1-800-309-1616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपने पन का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। हमारे साथ आज छत्तीसगढ़ की वो हस्ती हैं जिसने पूरे राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में भूचाल ला दिया है। और ये हस्ती बहुत छोटी छोटी नहीं है, मतलब बड़ी हस्ती हैं। एक समय तक ये भाजपा में लंबे समय तक साथ रहे, भाजपा को छत्तीसगढ़ में मजबूत बनाने का काम किया और उस शख्सियत का नाम है नंद कुमार साय जी। स्वागत है नंद कुमार साय जी हमारे चैनल में। नंद कुमार साय जी के बारे में हम बता दें कि बीजेपी छोड़कर के अभी अभी वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं और इनकी शख्सियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आप जो है 3 बार विधायक रहे हैं बीजेपी से, 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं, सांसद रहे हैं, और 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। अब आप इस पूरे राजनीतिक करियर से, मतलब ये पूरा तो नहीं कहेंगे, जितना भी राजनीतिक करियर है उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा के लिए कितने बड़े नेता की भूमिका में रहे हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि विधायक रहते हुए पार्टी को ये लगा कि नहीं, अब सांसद की सीट हमें पक्की करनी है, तो साय जी को मैदान में उतारा। फिर कभी लगा कि अब हमको विधायक की सीट चाहिए है, तो उनको सांसद रहते हुए विधायक का टिकट दिया। और इन्होंने जो है बीजेपी को कभी निराश भी नहीं किया, वो सीट ला करके दी। अब जो है केवल इतना ही परिदृश्य नहीं है राजनीतिक, अब आप देखिए कि साय साहब जो है हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके बहुत करीबी माने जाते हैं और छत्तीसगढ़ में एक राजनीतिक रूप से एक आदिवासी चेहरे के रूप में बड़ा चेहरा बीजेपी के पास अभी तक था। अब चूंकि कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, तो हम साय साहब से जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण आपको कांग्रेस में जाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी में हम श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण जी आडवाणी, सुंदर सिंह जी भंडारी, श्रीमंत राज माता जी सिंधिया, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, इस तरह की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ हमने काम किया है। हम मध्य प्रदेश अविभाजित के अध्यक्ष रहे, जिस समय कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे, और पार्टी को ताकतवर मजबूत बनाने में भी काम किया। 2000 में छत्तीसगढ़ बन गया, 3 राज्य जो अटल जी ने बनाए थे, उसके बाद यहाँ लड़े। हम लोग उस समय मेजोरिटी में नहीं थे, कांग्रेस मेजोरिटी में थी, अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने और नरेंद्र जी मोदी ने आकर के मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाया यहाँ था, और सड़क से सदन तक की लड़ाई ऐसा लड़े। उसी साल हमने यहाँ बीजेपी की सरकार बना ली। ये सारा काम होता रहा, लेकिन इस बार हम 1-8 साल से प्रयत्न करते रहे कि हालत यहाँ बहुत कमज़ोर है और उसको कैसे ठीक करना है। हम केंद्र में भी हमारे वरिष्ठ नेताओं से मिलने की कोशिश की, अवसर नहीं मिला। यहाँ भी कुछ जो आते थे प्रभारी वगैरह, उनसे बात करने की कोशिश की, और कमज़ोर है, समय भी नहीं है, चुनाव सामने है। और हम बहुत प्रयत्न करते रहे थे कि सारे कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिलों में, तहसीलों में, अनुविभाग में, बूथ तक जाना है, और खाली रायपुर में बैठक करने से काम नहीं चलेगा। इस बात की योजना बनाने की दृष्टि से हम कुछ लोगों से चर्चा यहाँ भी केंद्र में भी करना चाहते थे, लेकिन किसी से हो नहीं पाया। दैव योग से किसी को दोष देना ठीक नहीं। हम प्रयत्न करते रहे, कहीं बात नहीं हुई, और हमको लगा कि शायद अब हमारी उपयोगिता यहाँ ख़त्म हो, और इसलिए हमने पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस ज्वाइन कर। तो इसमें कोई पर्टिकुलर व्यक्ति भी है जो आपको, आपके सुझावों, क्योंकि देखिए आप छोटे नेता नहीं हैं बीजेपी के लिए, और ना केवल बीजेपी क्या छोड़ दें, हम छत्तीसगढ़ के लिए कहें, एक बड़ा चेहरा है, आपकी एक स्वीकार्यता है,
तो ऐसे कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जो है आप? अब यहाँ तो देखो संगठन में जो लोग हैं, यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पता नहीं वो क्या करते हैं, मुझे ठीक पता नहीं है, लेकिन अभी तो यही लोग काम देख रहे हैं। किसने किया हम पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के विरुद्ध में हम नहीं हैं, लेकिन जो लोग भी संगठन में हैं जिनको जानकारी थी, हम पहले कई बार यहाँ बैठक चलती थी कार्यालय में और वहाँ हम बैठे हुए हैं भाई, तो मीटिंग हो रही तो तीन तीन चार चार घंटा हम इसी इन्हीं बातों को बताने के लिए, वहाँ भी बैठक नहीं, बात नहीं होती थी, मुलाकात नहीं होती थी। केंद्र में भी कई बार गए, बोले वहाँ शायद भेंट हो जाए, वहाँ भी स्थिति यही थी, अब मिलेंगे तब मिलेंगे, वो बैठक हो रही है, वो कार्यक्रम है, ये फलाना है, अरे तो निकल गए, अभी तो वो वहाँ जाना था। और अंततोगत्व हमको लगा कि शायद अब बाकी बहुत नेता हो गए हैं, अच्छे लोग आ गए हैं, आवश्यकता शायद यहाँ अब हमारी नहीं है, इसलिए हमने छोड़। आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो है फील्ड पर उतना सक्रिय नहीं है? हम ऐसा अनुभव करते थे और उसी को ठीक करना चाहते थे, बताना भी चाहते थे, क्योंकि क्या मानते हैं यहाँ पर पार्टी कहाँ पर है? हमने कभी पंचायत चुनाव, जनपदों के चुनाव में और भी चुनाव में बाई इलेक्शन जीतने हुए, कहीं पर हम जीत नहीं पाए, हालत ठीक नहीं थी और अभी भी इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी था। मैं कहा जो लोग हैं वो भी अभी से लगे तब कुछ शायद स्थिति बने, अच्छा, ऐसा मुझे लगता है। बीजेपी के कार्यकर्ता में एक और चर्चा है कि मौजूदा सीएम से मिलना आसान है, पूर्व सीएम से मिलना मुश्किल। हाँ वैसा मैं तो बहुत ज़्यादा उनके साथ गया नहीं था, लेकिन लोग कहते होंगे तो था, पहले की स्थिति भी ऐसी रही होगी। और मैं एक बात के लिए भी चिंतित था कि भाई तीन टर्न हमारी सरकार थी, 2003, 2008, 2013। मैं चाहता था कि चुनाव के पहले एक साल से हमें सघन संपर्क और संघर्ष ये शुरू करना चाहिए, नहीं हो पाया। और आपको लगेगा मैंने पहले भी बताया था कि 2018 के चुनाव, जब 13 का चुनाव आया, तीनों चुनाव में हम वोट प्रतिशत की दृष्टि से, सीटों के संख्या की दृष्टि से भी पीछे होते गए। 16 में ही मैंने केंद्र में बताया था कि वहाँ की सभी परिस्थितियों को एक बार पहुँची है, और 2018 में चुनाव हुआ, 15 सीट आई है, सरकार 15, तीन टर्न का था, उसके बाद उसकी कोई समीक्षा नहीं, क्यों ऐसा हुआ, अभी तक भी है मुझे नहीं लगता। इन्हीं बातों को बताना था और कहीं कोई सुनने को खाली नहीं था, तो बोले ठीक है भाई जैसा है वो चले। आपके तो पीएम मोदी से भी बड़े नजदीकी संबंध रहे हैं, तो आपने कभी कोशिश नहीं की कि उन तक ये बताया जाए? बहुत बार हम मिलने की कोशिश की, व्यस्त बहुत थे और मैसेज बहुत बार किया है, वहां से आती थी कि वो मिलेंगे, वो बताएंगे, वो करेंगे, बात नहीं हो पाई साल भर से, तो नहीं, उसके पहले भी कहा हुई, कोशिश बहुत किए ये सब जगहों से, हुआ नहीं और हमको थोड़ा परेशानी हुई और हमने छोड़ी। अच्छा, नड्डा जी से आपकी क्या बात हुई है इस्तीफा देने के बाद? कोई बात नहीं। किसी का फोन आया आपके पास? नहीं, किसी का भी फोन नहीं आया, कोई चर्चा ही नहीं हुई ना। उनको ये लगता है कि अब आपकी उपयोगिता नहीं रही क्या, ऐसा आप सोचते हैं? ऐसे ही कुछ होगा, अब मैं क्या बताऊंगा, तो उन्हीं से पूछिए जी। अच्छा, एक और चीज है कि आप नमक नहीं खाते हैं जी, इसके पीछे हमको जो कहानी बताई उसको आप हमारे ख्याल से ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि 1970 में शायद आपने लोगों से शराब ना पीने की अपील की, वो पूरी कहानी बताइए क्या है, आप नमक क्यों नहीं खाते? ऐसा था कि हम उस समय गरीब जो हैं, कोरवा कमार बिरहोर पंडो बैगा, ये सारे शराब भी पीते हैं बेचारा, उसके कारण उनकी संख्या घट रही है, मर जाते हैं, बच्चों का जो एवरेज एज है और उनका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए वो सब कमजोर हो रहा था। तो उस जमाने में मैं कॉलेज एनियस महाविद्यालय जसपुर में पढ़ता था और लोगों को बताता भी था भी इसको छोड़ो, आगे ठीक करो, सरकार को भी बोलता था, लेकिन अवैध दुकानें जगह जगह बिखरी पड़ी रहती थी, उसके जाल में फंस जाते थे, तो उस अवैध दुकान को हटाने के लिए मैं लगातार संघर्ष करता रहा, पुलिस से रोज झगड़े होते,
हमारे साथ 20-30 लड़के रहते थे और झगड़े बहुत हुए मेरे खिलाफ, 1000 केस हुए रोज झगड़े में। हमें कहा अवैध दुकानें तुम नहीं लगाओ, और पुलिस वालों के संरक्षण में ये दारू वाले वहां दुकान लगा देते थे, लोग पी के मर जाते थे। उसी समय एक गांव है धवई टोला सिंगी बहार के पास, वहां एक मीटिंग बुलाई गई षड्यंत्र के तहत, और वहां हमारे लोग थे जो पीने पाने वाले लोग बहुत सारी संख्या। उन्होंने कहा कि भाई आप शराब छुड़ाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन हम लोग वैसे ही शराब नहीं छोड़ सकते जैसे कोई खाने में नमक नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा यार नमक और शराब को क्यों जोड़ रहे हो जबरदस्ती, नमक क्यों छोड़ेगा वो, शराब क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। तो बोले नहीं वैसे ही हमारे लिए इतना मुश्किल है छोड़ना कि एक आध दिन नहीं खाए तो लगता है कुछ नहीं खाए, तीसरे दूसरे दिन नहीं खाए तो हो सकता है स्वास्थ्य और ज्यादा गड़बड़ हो। मैं कहा यह तो तर्क गलत है, लेकिन क्या कहना चाहते हो बता। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति यदि नमक छोड़ देता तो हम लोग शराब छोड़ने की कोशिश करते, क्यों छोड़ेगा नमक। तो बोले नहीं अगर वो छोड़ देता नमक तो हम ये सोच लेते कि कोई व्यक्ति अगर नमक छोड़ सकता है तो हम शराब क्यों नहीं छोड़ सकते। 23 सितंबर 1970 की बात है। मैं कहा शराब छोड़ो आज से, मैं नमक छोड़ और उसी तारीख से छोड़। उसके बाद आपने कभी नमक नहीं खाया। अच्छा नमक तो है सब में, सारे खाद्य पदार्थों में, फल में, दालों में, अनाज में। अच्छा अभी आप जो कांग्रेस में आए हैं उसमें आपको क्या आश्वासन मिला है कांग्रेस की ओर से? कोई आश्वासन का विषय नहीं, मैं लोगों की काम करने की दृष्टि से एक मंच उसको बना करके आया। कोई बात बात होगी तो देखेंगे आगे किस तरह से काम करना है, क्या करना है। अच्छा आप एक लंबे समय तक बीजेपी की विचारधारा में रहे और कांग्रेस की विचारधारा अलग है, तो आपको लगता है कि आप एडजस्ट कर पाएंगे? विचारधारा का मामला ये है, देखिए मुझे नहीं लगता कि विचारधारा कोई बहुत आड़ी खड़ी बना दी गई है। आम आदमी के काम के लिए, गरीब लोगों की सहायता के लिए, सेवा के लिए कोई बहुत विचारधारा की जरूरत नहीं। सवाल यह है कि आम पब्लिक है, गरीब है, जनजाति समाज का है, जंगल में रहने वाला है, वो बहुत परेशान है किसी मामले में। जहाँ तक मेरे संपर्क में आते हैं रोज सवेरे भी कुछ समस्याओं से लेकर के लोग मिलने आते हैं, उसके लिए कोई विचारधारा की जरूरत नहीं। लेकिन हम कांग्रेस में हैं तो उस विचारधारा को फॉलो करेंगे, उसको मजबूत बनाएंगे, और पार्टी भी मजबूत हो और लोगों का काम भी, ये दोनों काम साथ साथ चलेगा। अच्छा सन 2000 में जब आपको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था तब यहाँ के भाजपा के कुछ कद्दावर नेता उसका विरोध कर रहे थे, उस समय मोदी जी ही आए थे, मालूम है, मालूम वही ऑब्जर्वर बन के आए हुए थे। जी जी। तो उस समय एक घटनाक्रम हुआ था जो चर्चित है, अब वो कितनी सत्यता है वो आप बता पाएंगे? नहीं, वो था ना बहुत, ये जो हमारा पुराना पार्टी कार्यालय है उसमें बहुत तोड़फोड़ हुआ था, आगजनी तक हो गई थी, भीतर में मारपीट करने तक की स्थिति बन गई थी, और मोदी जी उसके प्रत्यक्षदर्शी थे, लेकिन उसका समाधान निकला, कुछ और लोग बनना चाहते थे। मोदी जी को मारने की कोशिश भी हुई थी उस समय? नहीं, मारने की कोशिश तो नहीं हुई, लेकिन झूमा झटकी में कुछ नहीं होगा, उन्हें कुछ हुआ नहीं था, लेकिन ये प्रचारित हो गया है कि ऐसा किया गया था वैसा। तो कौन थे वो नेता, कौन थे? यही के लोग थे। कोई नाम? नाम बताने का मतलब नहीं है, कुछ दूसरे लोग भी महत्वाकांक्षा रखते थे कि हम नेता प्रतिपक्ष बने। वो तो मंत्री भी रहे हैं ना जो? हाँ मंत्री बाद में बने, बाद में मंत्री बने। हाँ, तो वही लोगों का, उन्हीं का टीम था। लोग विधानसभा अध्यक्ष भी रहे उसमें से क्या कोई? मेरे ख्याल से शायद हो सकते हैं उस टीम में से कोई भी होंगे, वही एक ग्रुप था। तो वो लोग थे, उन्होंने नहीं बने तो इस तरह तक, इस सीमा तक बाद में उनको हटा दिया गया था, तो सस्पेंड हो गए थे। जब मोदी जी अब इतने कट्टरता से और इतने मतलब विरोध के बावजूद आपको यहाँ स्थापित किया और फिर आप कांग्रेस बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस जा रहे हैं, तो फिर आपको कुछ? भाई उस समय बात अलग है, आज की तारीख अलग है, उस समय की औसकता संभावनाएं अलग थी, आज की अलग है। उस समय तो हमने पार्टी को बहुत दिया, इतना बड़ा लड़ाई लड़ करके सरकार बना दी, अब वो उसके बाद क्या क्या हुआ अलग मैटर। तो प्रतिदान हमने कम नहीं किया है, जोगी से उस समय लड़के सरकार बनाना किसी के बस में नहीं था, कोई नेता नहीं था कि यहाँ उसके सामने खड़े भी हो जाते। तो वो लड़ाई पार्टी ने जो भी किया हमने भी उसके प्रतिदान में कम नहीं किया।
अच्छा, अभी सोशल मीडिया का दौर है, आप जो भी करते हैं वो सोशल मीडिया पे चला जाता है, तो आपने कांग्रेस के खिलाफ में जितने भी कमेंट टिप्पणी ये सब की हैं वो सब सोशल मीडिया पे हैं। जब आप कांग्रेस की बात करेंगे, कांग्रेस के पक्ष की बात करेंगे तो वो खोज खोज के निकाला जाएगा, तो उसका जवाब देने के लिए आप कितने तैयार हैं? देखिए, उस समय की वो बात थी और आज हम यहाँ हैं तो इसकी बात अभी है, ये कभी फिर कोई और चला जाएगा, कोई भी आदमी के साथ हो सकता है, इसलिए उस समय के किसी बात को आज की तारीख में निकाल के रखने का कोई औचित्य नहीं, वो संदर्भहीन है, आउट ऑफ डेट है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साय साहब हमसे बात करने के लिए। ये थे नंद कुमार साय जी, जो कि बड़ा चेहरा है, आदिवासी चेहरा है और कभी बीजेपी में हुआ करते थे और आज कांग्रेस में है। तीरंदाज से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक।